कौन है? और कृषि मंत्री ने इस्तीफा कैसे दिया आज? कौन था वो? सरकार का आदमी था। वो देश की जनता को बताने के लिए है। आप लोग पूछते थे ना कि इसमें काला क्या है, इसमें सफ़ेद क्या है, इससे किसानों को फ़ायदा क्या है, इससे किसानों को नुकसान क्या है, वो सारा जो है किसान आपको बताएगा। अच्छा, वो पूरी चीज़ है, पूरी। अच्छा, संसद होती है उसमें पक्ष होता है, विपक्ष होता है, आपकी संसद में विपक्ष कौन है? हमारी संसद में बिल्कुल सेम संसद की तरह है, स्पीकर भी है, डिप्टी स्पीकर भी है, उसमें कुछ किसान पक्ष में है, कुछ किसान विपक्ष में है, सारी बिल्कुल सेम संसद की तरह चल रही है। और आज किसान संसद में कृषि मंत्री हार मान चुका है और उसने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, तो किसानों की जीत है ये? देखिए, ये जीत और हार की लड़ाई नहीं थी। अच्छा, ये जो वहाँ तर्कों के आधार पे चला था, आखिर में कृषि मंत्री जो किसान संसद का कृषि मंत्री था उसको हार माननी पड़ी, वो जवाब नहीं दे पाया किसानों के बाद। लेकिन जो भारत सरकार का कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर जी, वो कह रहे हैं कि किसान बताएं कि इस कानून में काला क्या है, वो अपने उसी मतलब एक डटे हुए हैं अपने बयान पर। वो कहते हैं इससे किसानों का फायदा होगा। वो आज तक बता पाए कि किसानों का फायदा इससे कैसे होगा? बिल उन्होंने बनाया। भाई, आप लोग कहते हो कि यहाँ बैठने से आपको फायदा होगा, तो आप ये भी तो बताओगे यहाँ बैठने से कैसे फायदा होगा? तो बिल आपने बनाए हैं, आप बताओ ना किसानों की आय दुगनी कैसे होगी, कैसे इस बिल से फायदा होगा, बताना तो आपको पड़ेगा। पहले लागू तो हुए नहीं है वो नियम, तो कानून। कानून तो लागू है अभी, तो उनपे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा। वो अलग चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा रखा, जब राष्ट्रपति ने उस पर मोहर लगा दी तो कानून तो बन चुका, तो लागू ही मानो उसे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से तो जब चाहेगी सरकार हटवा लेगी। भरोसा करके देख लो ना सरकार ने। हैं? भरोसा कर लो एक बार। भरोसा 7 साल से तो कर रहे हो, और कितना करवा है सरकार किसानों पे? भरोसा करके देख ले एक बार। हमने 7 साल भरोसा किया इन पे, ये एक बार भरोसा कर ले कि इन बिलों को वापस ले ले और दूसरा बना ले किसानों के साथ मिलकर बैठ के। ये संसद लगा के मैसेज क्या देना चाहते हैं सरकार को? कुछ नहीं, देश की जनता को अपनी बात समझाना, इन सांसदों को बताना कि देखिए कितनी सभ्य तरीके से संसद चलती है। तो गांव में लगाओ ना, गांव में जाके समझाओ। क्यों, यो दिल्ली किसी के बाप की है? दिल्ली किसी के बाप की है? हर आदमी को वहाँ प्रदर्शन करने का अधिकार है। अंदर से कैसे चलती है संसद बताना जरा, कैसे चलती है संसद? जाओ और जाके देखो संसद कैसे चलती है। नहीं, और जिस दिन मैं जाऊंगा उस दिन वहाँ दिखाऊंगा। आज गए तुम? किसान जो संसद कर रहे हो, संसद तो लग ही नहीं रहे। आज गए हो आप किसी एंगल? आज गए हो? हाँ, वहाँ से आ रहे हैं। अच्छा, कैसे संसद नहीं लग रही? संसद कहाँ है, तो विरोध प्रदर्शन हो। क्यों, तू संसद में गया कभी? कैसे कद गया? संसद की कार्यवाही तो टीवी पे देखी जाती है ना। तो बस बताओ क्या संसद कैसे चल रही है, बताइए। ऐसे जैसे चलती है, पक्ष विपक्ष ऐसे ही चल रही है। विपक्ष है आपके? हाँ है। कौन है? और कृषि मंत्री ने इस्तीफा कैसे दिया आज? कौन था वो? सरकार का आदमी था। हमारी संसद में दोनों तरह बने हुए हैं, सरकार के आदमी भी बने हुए हैं, किसान भी बने हुए हैं। तो सरकार का कौन आदमी? अरे उन्हीं किसानों में से बने हुए हैं। वो वहाँ जाके देखो कौन कौन बन रहे हैं। मैं वहाँ थोड़ा ही हूँ इस टाइम पे, जो मैं उनके नाम बता दूँ आपको। कृषि मंत्री ने आज इस्तीफा दिया है। हाँ, आपकी संसद में? हाँ, किसान संसद में। क्या दर्शाना चाहते हो, कृषि मंत्री अपना बना के इस्तीफा देना कैसे? अरे हम ये दर्शाना चाहते हैं कि एक प्रधान, एक कृषि, एक रेल मंत्री हुआ थे हिंदुस्तान के अंदर, लाल बहादुर शास्त्री जी, एक रेल का एक्सीडेंट हो गया था, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए। और देश का किसान 8 महीने से सड़कों पे पड़ा है, कृषि मंत्री बात तक करने को तैयार नहीं। हरिंदर जी, तो नैतिकता क्या होती है ये इनको सीखनी चाहिए। जो भारतीय लोकसभा है उसमें करीब 800 सांसद, राज्यसभा सांसद हैं, कहाँ किसानों के 200 सांसद उनका जो है सामना कर पाएंगे? देखिए, 200 रोज अलग अलग जाते हैं ताकि ज़्यादा लोगों तक ज्ञान जाए। अच्छा, रोज अलग अलग मुद्दा होता है। तो तुम्हारे तो सांसद भी काफ़ी हो जाएंगे फिर, 200 रोज जाएंगे तो क्या हो गया? सांसद हम चुनते हैं, हम ही तो चुनते हैं, कितने बना ले हमारी संसद, किसान संसद। तो इसका असर पड़ेगा क्या? है? इसका असर क्या, असर करने के लिए थोड़े गए हैं।
हम अपना विरोध दर्ज कराने गए, असर भी करने नहीं गए, तो क्या दर्शाना क्या चाहते हो, क्या होगा नुकसान, क्या होगा? तुम ही लोग आकर के कहते थे ना कि आप दिल्ली नहीं जा सकते, किसान जिस दिन दिल्ली जाना चाहता है दिल्ली जा करके दिखा देता है। लेकिन जहाँ आपकी संसद चल रही है जंतर मंतर पर, वहाँ तो लोग दशकों से जाते रहे हैं, किसी को न्याय तो मिलता नहीं है वहाँ, लोग वो तो बैठ के चले जाते हैं वहाँ तो। किसने बनाया था? इसी किसान ने बनाया था या धरना 1988 में, और उससे पहले धरने लगते थे वोट क्लब पर। 1988 में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने धरना लगाया था, 7 दिन चला था। सरकार इतनी दुखी हो गई थी कि सरकार ने उसी दिन कानून पास किया कि आज के बाद कोई धरना उस पर नहीं लगेगा वोट क्लब पे। अच्छा। जंतर मंतर निश्चित किया था। तो क्या लगता है तो वो हम खत्म करा गए थे, ये हमने बनवाया था, आज उस पर बैठे हैं। न्याय मिलेगा आपको यहाँ पर? देखिए, न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, हम परीक्षा देते हैं, पास होंगे फेल होंगे वो बात की चीज़ है, हमारा काम परीक्षा देना, परीक्षा दे रहे हैं। किसान चारों बॉर्डर पर बैठे हुए हैं दिल्ली के, सबसे बड़ी संसद तो ये है, यहाँ लाखों किसान हैं, कहाँ 200 किसान, कहाँ लाखों किसान, तो क्या हो गया? यहाँ भी बैठे हैं, जब इससे असर नहीं पड़ा तो उस 200 से पड़ जाएगा भाई। अब एक बात तो बताओ, एम्स में जाते हो, एम्स में इलाज नहीं हो पाता कोई चीज़ का, तो दूसरे हॉस्पिटल में जाते हो, वहाँ इलाज कराते हो। अच्छा। तो हमारा इलाज संसद है, आज जंतर मंतर है, कल संसद भी होगा। अच्छा। किसान का इलाज संसद में ही तो होगा, बिल कहाँ बने? संसद में। इलाज कराने वापस कहाँ होंगे? संसद में। जो मीनाक्षी लेखी ने बयान दिया, किस तरह से देखते हैं उनके बयान को? भाई अगर मैं कुछ कहूँगा तो फिर कहोगे किसानों ने किया महिलाओं का अपमान है, लेकिन जैसी जिसकी सोच, जैसा जिसका खानदान, वो वैसे ही बोलेगा। अच्छा। ये मीनाक्षी लेखी ने नहीं कहा, ये देश के प्रधानमंत्री ने कहलवाया है। अच्छा। वरना मीनाक्षी लेखी की क्या औकात कि देश का प्रधानमंत्री हमें किसान कहता है, अन्नदाता कहता है, पर वो हमें मवाली कह दे। अरे ताऊ, सिंगू बॉर्डर पर वहाँ जो आसपास के गांव वाले हैं वो किसानों को हटाने की मांग कर रहे हैं, वो आ रहे हैं बैनर लेके किसानों को हटाया जाए। एक भी आसपास के गांव का नहीं है, सारे प्लांट किए हुए आरएसएस के गुंडे हैं। तो गांव के ही लोग हैं, कोई नहीं है, जब पिछली बार भी पकड़े थे फिर भी बाहर के निकले थे। अच्छा। और देखिए मैं यहाँ बैठा हूँ, ये सड़क किसने रोक रखी? पुलिस ने। और मुझे परेशानी सरकार से, मैं सरकार के खिलाफ लड़ रहा हूँ। ये सड़क रुक रही है, उन्हें किसी को परेशानी आने जाने में, वो सरकार से लड़े, सरकार हटाए हमें। तुम्हें अधिकार किसने दिया कि तुम हमसे लड़ोगे जब हम आपसे नहीं लड़ रहे? नारेबाजी की जा रही है वहाँ पे और बैनर लेके। कोई बात नहीं, करने दो। हाँ। वो देखेंगे। हरिंदर जी, किस तरह से भारत समाचार टीवी चैनल और बार के जो है ऑफिसों में छापे पड़ गए हैं, किस तरह से देखते हैं सीईडी की कार्रवाई को? देखिए अब बचा क्या, जो सहिंसा के खिलाफ लिखेगा, जो सहिंसा के खिलाफ बोलेगा, उस पर छापे ही पड़ेंगे, छापे पड़ेंगे। लेकिन जो सरकार के मंत्री वो कह रहे हैं कि तो कार्रवाई चलती रहती है ऐसी, क्या ये हमने हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है? तो बताइए आज तक इंडिया टीवी पे वाले पे पड़ा कभी छापा? बताओ आर भारत वाले पे पड़ा कभी छापा? जी न्यूज वाले पे पड़ा कभी छापा? या अंबानी का जो है न्यूज 18 है, इस पे पड़ा कभी छापा? तो इन्होंने खिलाफ खबर चलाई सरकार के? सरकार के खिलाफ नहीं, इन्होंने सच दिखाया। अच्छा। सरकार कहती है कोरोना में कोई मरा नहीं, इन्होंने घर घर जाकर दिखा दिया, इन्होंने गंगा की सत्यता दिखा दी। अच्छा। तो भैया इनके खिलाफ तो होगा। समाचार प्लस या दैनिक भास्कर गलत नहीं तो डर क्यों रहे हैं फिर? वो कौन डर रहा? वो नहीं डर रहे, मैंने ये कहा है जो सच दिखाएगा उसके खिलाफ छापे पड़ेंगे, और सच दिखाया इन लोगों ने। बताओ जो चाटुकार मीडिया उसके किसके पड़ा है? पड़ा है किसी के? मैंने तो नाम तक बताए, और इससे बड़ी क्या होगा कि एयर स्ट्राइक की 3 दिन पहले से उसके पास खबर थी और उसके खिलाफ FIR दर्ज तक नहीं हुई।
बताओ, और इससे बड़े चाटुकारिता और क्या होगी। तो आप चाहते हैं कि ईडी पीडी अपना काम छोड़ दे, घर बैठ जाए। कौन ईडी है कहाँ? टैक्स जो भी है कहाँ ईडी? जो भी सारी एजेंसी गुलाम है भारत मोदी के, और जिसे मोदी कहता है उसके पड़ते हैं। तू आज किसी नेता का इस्तीफा दिलवा दे बीजेपी से, कल को उसके यहाँ ईडी पोका छापा पड़ जाएगा। उससे पहले क्यों नहीं पड़ा? क्यों, इसी सरकार में गुलाम हो रही एजेंसी पहले भी है। अब ज्यादा तूने देखा नहीं? पहले भी होते थे। मैं कदम न कर रहा हूँ, लेकिन इसने सारी एजेंसियां अपने अंडर में कर ली जो बाहर भागता। हरिंदर जी, खबरें आ रही हैं कि जो नेताओं के, पत्रकारों के फोन टेप किए गए हैं, बड़ा मोटा पैसा खर्च किया गया इस सब पूरे तामझाम में सब। मैं तो ये कहता हूँ, अगर सरकार ने कराई तो भी गद्दारी, किसी और ने कराई तो भी गद्दारी, जांच तो होनी चाहिए। अगर ये फोन टैपिंग हुई है तो देश की सुरक्षा के लिए खतरा, और अगर नहीं हुई है तो जिसने आरोप लगाए वो माफी मांगेगा सार्वजनिक, उन पर मुकदमे करो। अच्छा, जांच कराओ। तो किसानों के फोन में टेप हो रहे क्या? अरे हो जान दे, हमारे में क्या धरा। तो फिर डर क्यों रहे हो टैपिंग से? यार मैं कहाँ डर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर टैपिंग हुई है तो देश की सुरक्षा के लिए खतरा। खतरा कैसे है देश की सुरक्षा के लिए? क्यों? अगर सरकार किसी का फोन टैप कर रही है तो कोई तो रीजन रहा होगा, कुछ तो आपका तो नहीं किया टैपिंग, टिकैत साहब का तो नहीं किया टैप। टिकैत साहब तो कह रहे हैं सारे फोन टेप हो रहे हैं, तो पुलिस वाले ही बता दें आके। पर ये तो 2019 में, तब तो आंदोलन भी नहीं चल रहा था क्या? हाँ, कौन ये आंदोलन भी नहीं था तब तो? यार मैं तो कहना क्या है, 2019 का मामला है ना ये, तो मुझे क्या पता कब का है। मैं तो एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ तेरे का, कि अगर ये हुआ है तो गलत, और नहीं हुआ तो जिन्होंने आरोप लगाया वे गलत। मैं तो दोनों को कह रहा हूँ, एक को थोड़ा ही कह रहा हूँ। अगर फोन टैपिंग हुई है तो देश के लिए खतरे की बात है। अच्छा, अगर और अगर नहीं हुआ तो जिन्होंने आरोप लगाया वे देश के लिए गलत है।